गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। तो ये प्रश्न चल रहा है कि ज्ञानी आत्मा थी तो नेक, क्योंकि इन्होंने भगवान पाने के लिए अपना जीवन उछावर कर दिया, हजारों वर्षों तक तप किया। लेकिन ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार, लेकिन ये मेरे वाली अनुतम गति में स्थित रहे। अब देखो, इन हमारे धर्म गुरुओं ने सातवें अध्याय के 18वें मंत्र में जो अनुत्तम शब्द है उसका अर्थ कर दिया अति उत्तम, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ गति। अब चौथी कक्षा के बच्चे ने पूछ लो भाई, उत्तम माने गुड, अनुत्तम बैड, और ये बैड का अर्थ और गुड लिखा हुआ है तो कितनी अकल होगी इन धर्म ग्रंथों के अनुवादकर्ताओं में। एक अन्य की अकल नहीं थी, एक अन्य की, क्योंकि इन्होंने श्री कृष्ण को सुप्रीम पावर मानकर सब ग्रंथों को वहां जोड़ने की चेष्टा की तो ये जुड़ा नहीं करती। चोर चुरावे तुम बड़ी गड्ढे पानी में, वह गड्ढे व उपरावन सच्चाई छे नहीं ना। अब ये खुद कह रहा है कि ये उद्धार आत्मा सातवें अध्याय 18वें श्लोक में श्रीमद भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में 10 वर्णन कर रहा है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा ये है तो उद्धार, नेक है, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत मिला नहीं, और ये मेरे वाली यानी ब्रह्म ये काल बोल रहा है मेरे वाली अनुतम गति में ही आश्रित रहे, घटिया घटिया गति में। अब ये घटिया क्यों कही अनुतम, ये तो सर्वश्रेष्ठ लिख रहे हैं, गलत कर रखे हैं ना। इसलिए कहा कि जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में इसने बता दिया कि मेरा देखो मंत्र है मुझ ब्रह्म का, और ओम नाम का जाप अंतिम सांस तक करते रहोगे तो इसकी जो मिलने वाली परम गति को प्राप्त होगी। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, और खुद भी इसने स्पष्ट कर दिया दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 4थे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, और 10वें अध्याय के 2 श्लोक में गीता जी में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। इसने ये भी स्पष्ट कर दिया 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते, और केवल उसी की भक्ति करो जिन्हें सारे ब्रह्मंडों की रचना की है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में भी स्पष्ट कर दिया कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, सनातन शाश्वत स्थान जिसका कभी नाश नहीं होता, वहां गए प्राणी फिर लौट कर नहीं आते, और ब्रह्म साधक तो पुनर्वृत्ति में। तो 7वें अध्याय के 18वें श्लोक का ये अर्थ है कि मेरी साधना करने वाला फिर भी अनुतम घटिया साधना में लीन रहा, क्योंकि जन्म मृत्यु मिटेगी नहीं, और जब तक जन्म मृत्यु नहीं मिटेगी शाश्वत स्थान मिलेगा नहीं जहाँ जाने के बाद वापस नहीं आते, तब तक परम शांति हो ही नहीं सकती। इसलिए इसने अपनी साधना को अनुतम कहा, घटिया कहा। और जैसे एक चुनक ऋषि की कथा दास बहुत बार सुनाता है, एक चुनक ऋषि थे, उन्होंने वो थे उद्धार ज्ञानी आत्मा, उन्होंने परमात्मा पाने के लिए समर्पित हुए, जैसा ऋषियों से ज्ञान हुआ ओम नाम का जाप और हठ योग किया। हठ योग किसी साधना में किसी वेद में प्रमाणित नहीं है, ना किसी सदग्रंथ में प्रमाणित है। ये भूल कहाँ से लगी इनको, ब्रह्मा जी जब नारद जी पूछ रहे हैं देवी पुराण के 3 स्कंद कि एक ब्रह्मांड की रचना बताओ पिताजी, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नारद क्या बताऊं, मैं होश में आया तो मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ, कौन मेरा जनक है, फिर मैं खोज करने लग गया, ऊपर नीचे धक्के खाए, फिर आकाशवाणी हुई कि तप करो, मैंने 1000 वर्ष तप किया,
फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो, तो इसने ब्रह्मा जी ने या आकाशवाणी थी तक काल की ब्रह्म की कि तप करो, इसने मान ली पूर्ण परमात्मा की, क्योंकि ये सामने तो आता नहीं, गुप्त आदेश देता रहता है इनको, तो ये वहां से ले लिया तप करना इसने ब्रह्मा जी ने, जबकि वेद तो इसने बाद में प्राप्त हुए, जब सागर मंथन किया प्रथम बार, जब वेद काल के परमात्मा ने ये कंप्लीट कोर्स दिया था, 500 वेद दिए थे इसको, इंक्लूडिंग ये सूक्ष्म वेद यानी तत्व ज्ञान, इसके अंदर फीड कर दिए थे वहां सतलोक से, इसके हृदय में भेज दिए थे काल के, जैसे आप देखते हो आजकल यहां से ईमेल के माध्यम से फिल्म की फिल्म चली जाती है दूसरे स्थानों पर, वहां डाउनलोड कर लो, ऐसी इसके वहां भेज दिया, जब ये इसने बाहर डाउनलोड किया सांसों के द्वारा, इसके बाहर आए थे सारा वेद, इसने जब पढ़ा इसने देखा कि उस वेद में वो कंप्लीट एक का वेद था, एक पूरा ग्रंथ था, इसने पढ़ते पढ़ते देखा कि इसमें तो बहुत जानकारी है ऊपर की सच्चे भगवान की, इसने वो पोर्शन निकाल दिया और ये चार वेद भगवान के डर से ये चार वेद रख लिए, जिसमें महिमा तो पूर्ण परमात्मा की है और साधना केवल इस ब्रह्म तक की है, और परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था कबीर भगवान ने कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते ना, चारों वेद मेरी महिमा का गुणगान करते हैं, धर्मदास 600 वर्ष पहले भगवान बताया करते थे, इन चारों वेदों में मेरी महिमा कंप्लीट भर रखी है कति, लेकिन जिस वेद से मैं मिलूं यानी जिस ज्ञान से जिस विधि से मेरी प्राप्ति होगी वो इसमें नहीं है, वो तो परमात्मा स्वयं आकर देता हो, तत्व ज्ञान उसके अंदर है, तो जब तक उस परमात्मा की विधि प्राप्त हुई नहीं, ज्ञान हो गया तो उस ज्ञान का क्या लाभ हुआ, तो ये इस प्रकार इन ऋषियों के साथ धोखा हुआ, इन्होंने ओम नाम तो ले लिया वेदों से पूर्ण परमात्मा का जान कर, और ब्रह्म को कंप्लीट गॉड मानने लगे, इसी को परम अक्षर ब्रह्म कहने लगे, इसी को पूर्ण परमात्मा, इसी को अक्षर ब्रह्म, इसी को परम अक्षर ब्रह्म, ऋषि को ब्रह्म, कोई बात हुई, एक स्टेट के मंत्री को, मुख्यमंत्री को, कोई प्रधानमंत्री भी कहो, राष्ट्रपति भी कहो, तो कितना विद्वान है वो, क्या जाना उसने उस प्रोसीजर को, तो इस प्रकार इन ऋषियों के साथ अभी तक इन्हों धोखा हो गया, तो इस चुनक नाम के ऋषि ने वेदों वाला तो मंत्र ले लिया, उसका जाप शुरू किया और हठ योग ले लिया ब्रह्मा की, दंत कथा लोक वेद से, ये वेद में नहीं है, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के 12 से लेकर 15 में जो दास ने आपको बताया कि तीनों गुणों से, वृद्ध गुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी से जो हो रहा है ये सब इसका निमित्त कारण मैं ही हूँ, ब्रह्मा जी से उत्पत्ति और विष्णु जी से सती थी, शंकर जी से संहार हो रहा, इसका नियमित कारण गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता मैं हूँ। फिर इसने ये बताया ब्रह्मा विष्णु महेश तक इनकी पूजा में जिनकी बुद्धि सचिर है, इनका ज्ञान हरा जा चुका, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मेरी भक्ति भी नहीं करते। फिर सातवें अध्याय के 20 से लेकर 23 तक और निर्णय ज्ञान दिया है, जो इन देवताओं की जो पूजा करते हैं वो पूजा तो कर रहे हैं भगवान समझ के, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन इनको जो मैंने थोड़ी बहुत पावर दे रखी है उसका अक्षीणिक लाभ इन मूर्खों को प्राप्त हो रहा है, ये स्थाई नहीं है, देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं तक सीमित रह जाएंगे, इनका जन्म मृत्यु सदा बना रहेगा। फिर गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में, 23 और 24 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं तो उनकी न तो गति होती है और न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न ही कोई सुख होता है, यानी यूजलेस। 16 में जाए कि 24वें श्लोक में कहा कि अर्जुन इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में जो साधना करनी चाहिए जो ना करनी चाहिए वो सदग्रंथ ही प्रमाण है, इसके अतिरिक्त किसी की लोक वेद का किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। 17वें अध्याय के 1 से लेकर 6 तक निर्णायक ज्ञान दिया है, अर्जुन ने पूछा कि जो शास्त्र विधि त्याग कर और जो मनमानी साधना करते हैं उनका स्वभाव कैसा है, वो किस स्वभाव के होते हैं और कैसी भक्ति करते हैं, तो गीता ज्ञानदाता कहता है जो अच्छी आत्मा है वो तो इन देवताओं की भक्ति करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की, और जो वो तो अच्छी आत्मा होती है और दूसरे जो होते हैं
वो तो सत्वगुणी होते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं, तो शास्त्र विधि आगम अनुमाना आचरण है, लेकिन अच्छी आत्मा जो होती है वो तीन ब्रह्मा विष्णु महेश इन देवताओं की, वो तो सत्वगुण स्वभाव के होते हैं और रजोगुण स्वभाव के होते हैं ये जो साधना करते हैं ये यक्षों की और अन्य साधना जंतर मंत्र भूत प्रेत पितरों की, और जो तमोगुण प्रभाव के होते हैं ये सेवड़े टाइप के लोग होते हैं, ये इस तरह की साधना करते हैं। और लेकिन इन सब का फिर निर्णय दिया है सत्र में जाकर छठे श्लोक में कि ये सभी शास्त्र विधि त्याग कर मनमान आचरण करने वाले मूर्ख इस शरीर के अंदर मुझे भी और परमात्मा का भी वास है इसके अंदर, उसको भी ये क्रश करते हैं, इनको राक्षस स्वभाव का जान और ये अच्छी आत्मा नहीं है, क्योंकि गीता का समझना कोई बालकों का खेल नहीं। परमात्मा बुद्धि दे अपने कृपा पात्र पे, तभी ये अनमोल ग्रंथ समझ में आते हैं। और टीचर उसी को कहते हैं जो हमारे सिलेबस को ठीक से जाने, वो टीचर कहाँ, जब सिलेबस का ज्ञान नहीं अटपट सुना रहा है तो टीचर नहीं है। तो जितने भी आज तक धर्मगुरु किसी भी धर्म के हैं उनको अपने सिलेबस का ज्ञान वर्तमान वालों को नहीं है, इस दास रामपाल दास के अतिरिक्त विश्व में नहीं है, ये कद्दे समझ माजी उतर है। और दास को पूरे विश्व के जितने ग्रंथ सबका जानकारी है, एक की नहीं, क्योंकि हमारा जन्म तो हिंदू धर्म हुआ, केवल हिंदू धर्म के सद ग्रंथ नहीं, पूरे विश्व के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सबकी जानकारी दास को दी है कबीर भगवान ने उस परमात्मा की। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।